अध्यापक की मदद से वन अधिकार अधिनियम सन 2006 के कुछ प्रावधानों को समझने का प्रयास करें। इसके द्वारा वनों का उपयोग करने वाले समुदायों के कई अधिकारों को मान्यता दी गई है। पहला, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी समुदाय या किसी सदस्य द्वारा निवास या आजीविका के उद्देश्य से स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जमीन रखने का अधिकार। दूसरा, निस्तार के अधिकार। तीसरा, पारंपरिक रूप से संग्रहित लघु वनोपज को एकत्र करने व बेचने और उन पर स्वामित्व का अधिकार। चौथा, अन्य सामुदायिक अधिकार जैसे मछली व जलाशयों के अन्य उत्पाद, मवेशी चराने संबंधी अधिकार। पांचवा, आदिम जनजातियों तथा कृषि पूर्व समुदायों के आवास और गृह निर्माण के अधिकार। वन संरक्षण के लिए सामुदायिक प्रयास। दामोदर ने बदली वन क्षेत्र की दशा। परिवेश। जगदलपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, संधकरमारी। साल और मिले जुले पेड़ों से घिरे जंगल के बीच बीच में धान के खेत फैले हुए हैं। जंगल और खेतों से घिरे इस गांव की सीमा ओडिशा से सटी हुई है। यूं तो अधिकांश सीमा कुरंदी नामक छोटी नदी से बनती है, लेकिन कुछ हिस्से पर मेड़ भी बनी हुई है। गांव की बसाहट काफ़ी बिखरी है, जिसमें 7-8 समुदायों के लोग बसते हैं। धान के खेत फैले होने के बावजूद गांव की सीमा में काफ़ी हिस्सा जंगल का है, जिसमें से कई नदी नाले बहते हैं। हम किसी भी दिशा से गांव में प्रवेश करें, हमें खेतों के बीच बीच महुए के पेड़ खड़े नज़र आते हैं, जो इन खेतों को एक अलग पहचान देते हैं। सैकड़ों ताड़ के पेड़ भी हैं, जहां रोज़ सुबह व्यापारी ताड़ी इकट्ठा करते नज़र आते हैं। बरसात के साथ ही मछली पकड़ने का मौसम भी आता है। इस मौसम में खेतों में मिलने वाली चुनचुनिया, चौलाई, कोचई, अरवी वगैरह यहाँ के भोजन का हिस्सा हैं। साल के पेड़ों से मिलने वाली खुमी, कुकुरमुत्ता और बोदा भी चाव से खाया जाता है। मौसम के अनुसार लोग 5 तरह के जिमीकंद, रतालू भी जंगल से लाते हैं। दामोदर द्वारा किए गए प्रयास। आज से 35 साल पहले यह एक बंजर जमीन से घिरा हुआ गांव था, जिसे वर्तमान स्वरूप में बदला है दामोदर ने। सन 2009 तक लगातार 35 वर्षों तक संधकरमारी गांव के सरपंच रहे। जगदलपुर छात्रावास से लौटकर उन्होंने देखा कि जंगल के बड़े पेड़ काट दिए गए हैं और लोगों को चूल्हे में जलाने के लिए जड़ें खोदकर लानी पड़ रही हैं। जहां भी दामोदर गए, उन्हें पेड़ों की ठूठ नज़र आए। उन्होंने बताया, यह गांव के निस्तार के लिए भी उपयोग किया जाता था। वे सब कुछ बेचकर खा गए। दामोदर इससे दुखी हुए और उन्होंने कुछ करने की सोची। सन 1976 से 77 में उन्होंने सरपंच पद का चुनाव लड़ा और जीत गए। जंगल की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करना पहली ज़रूरत थी। सहायता के रूप में लोगों से उनकी ज़मीन के हिसाब से अनाज लिया गया। नष्ट हो चुके निस्तार के जंगल को हरा भरा किया गया, जिसे अब बड़ला कोट उगाया गया वन कहा जाने लगा। वहां पशु चराना बंद किया। वन विभाग से बीज प्राप्त करके उन्होंने आम, चिरौंजी, महुआ, बीजा, साल, शतावरी, जामुन, आंवला, सफ़ेद मूसली, काली मूसली आदि उगाए। आज 35 साल बाद यह 215 एकड़ का जंगल इस बात का प्रमाण है कि लोग अपने बल पर कितना कुछ कर सकते हैं। संधकरमारी के लोगों की एक और संपदा है मावली।
कोट माउली देवी का एक पवित्र जंगल। इस 100 एकड़ के पुराने जंगल में लंगूर, उड़ने वाली गिलहरी और अनेक पक्षी रहते हैं। यहाँ अनेक औषधीय वनस्पतियाँ भी मिलती हैं। यहाँ हमें पता चल सकता है कि पुराने जंगल में किस तरह की विविधता हुआ करती थी। जब दामोदर सरपंच बने तो यह जंगल भी सिकुड़ रहा था। दामोदर की कोशिशों से लोगों ने जंगल की रक्षा करनी शुरू की। इस वन के नज़दीक के खेत लोगों ने छोड़ दिए ताकि जंगल फैल सके। यह वन बस्तर में सबसे बड़ा है।